सो गाइस, आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे लेनोवो लॉक के एक न्यू मॉडल को लेकर। इसमें जो है लेनोवो लॉक 80-90 के बजट में ये लैपटॉप लॉन्च किया है। इससे पहले भी लेनोवो लॉक का लैपटॉप आ चुका है अलग अलग मॉडल्स का, अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ, जिसमें एक लैपटॉप है लेनोवो का जो कि RTX 3050 के साथ i5 13 जनरेशन के साथ आता है, और एक लैपटॉप है साथ में, एक और लैपटॉप है लेनोवो लॉक का ही जिसका कि RTX 4050 है और i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर उसमें देखने को मिलता है। लेकिन अब कुछ वियर्ड कॉम्बो के साथ, थोड़ा अलग ही तरीके के साथ, एक हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कार्ड के साथ लेनोवो लॉक आ चुका है, जिसमें कि आपको RTX 4060 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलते हैं और जिसका कि प्रोसेसर उतना पावरफुल मेरे हिसाब से नहीं दे रखा है एज कम्पेयर टू GPU, जो कि i5 का 12 जनरेशन 12450H है। तो आप एक देखो तो वियर्ड कॉम्बो, RTX 4060 में 12 जनरेशन का प्रोसेसर i5 वाला ठूस दिया है और ये चल रहा है। बाकी क्या है इस लैपटॉप का डिटेल, उस सब आगे इस वीडियो में कंप्लीट बताने जा रहे हैं, तो प्लीज कंप्लीट वीडियो को देखिएगा तो ही आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। ये लैपटॉप अमेजोन या फ्लिपकार्ट आपको 80-90 के बीच के रेंज में दिख जाएगा, बेसिकली 85-86 में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ड डिजाइन को लेके। बिल्ड डिजाइन में आप देख सकते हैं हीट सिंकिंग जो फैन है वो आपको लेफ्ट और राइट में दोनों साइड आपको देखने को मिलते हैं, जहां से हीट रिलीज होता है। लैपटॉप का सारा पार्ट्स जो है पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। टॉप में लॉक का ब्रांडिंग है और नीचे साइड में आप देखोगे तो लेनोवो का ब्रांडिंग कर रखा है। बैक डिजाइन में आप देखोगे तो हनीकॉम टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल जो लुक्स है काफी अच्छा है और बॉडी जो है पूरा पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, तो आप सोच सकते हो वो भी ठीक है, चलेगा। अब हम बात करेंगे स्पेक्स को लेके। स्पेक्स में आपको मैंने पहले बताया कि प्रोसेसर i5 का 12450H है, इसके की अंदर 8 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलते हैं। रैम की बात करें तो DDR5 रैम 4800 MHz का 8-8 डुअल चैनल में आपको मिलेगा। इसको आप अपग्रेड करके 16-16 भी कर सकते हो, 32 GB भी कर सकते हो, बाकी आपको 16 GB का टोटल रैम इसके अंदर मिलता है, 8-8 लगा हुआ है इसके अंदर। इसमें जो सबसे खास बात है वो इसका GPU RTX 4060 8 GB का मिलेगा आपको DDR5 के साथ। SSD जो है 512 GB Gen 3 SSD है, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इसका की रीड स्पीड जो है 3600 MBPS है और राइट स्पीड 2500 MBPS है। इसके अंदर दो स्लॉट दे रखे हैं SSD लगाने का, तो आप इजीली इसमें SSD लगा सकते हो, दो अपकमिंग डेज में अपग्रेड कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 6 देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिल रहा है इसके अंदर, और MS ऑफिस लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। तो ये लैपटॉप गेमिंग है, तो गेमिंग वालों के लिए इसमें Xbox का 3 मंथ का पास दे रखा है इन्होंने, जो कि आप 3 मंथ तक फ्री में यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। 4K एडिटिंग आप इसके अंदर नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेसर का जो पावर है उतना नहीं है, i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है। बाकी GPU बेस्ड टास्क आप इजीली इसके अंदर कर सकते हो, जैसे कि गेमिंग हो गया, रेंडरिंग हो गया, ये सब काफी आसानी से इसके अंदर हो जाएगा। हाँ, 1080p वीडियो इजीली आप एडिट कर सकते हो, कोई लैग नहीं आएगा इसके अंदर। जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करने जाओगे तो नॉर्मल लैपटॉप के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही स्पीड में, कुछ ज्यादा ही जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो GPU है वो RTX 4060 है, जो काफी पावरफुल है, और जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट हो रहा होता है वीडियो या आफ्टर इफेक्ट में कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे होते, तो उस केस में GPU का काफी बड़ा टास्क रहता है। वैसे आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जो डिजाइनिंग वर्क्स है वो आप इजीली कर सकते हो इसके अंदर। 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, ये थोड़ा सा टफ है इसके अंदर, बेसिक लेवल का टास्क कर सकते हो। वही मेन रीजन जो है प्रोसेसर थोड़ा सा वीक होने के कारण ये आप बेसिक लेवल का टास्क कर सकते हो, बट अगर हाई लेवल में सोच रहे हो तो ये टफ है इसके अंदर करना। कोडिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, डे टू डे यूज के लिए आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट लाइव स्ट्रीम जब आप करने जाओगे गेम को, तो वहां पे CPU के लो पावर होने के कारण आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। गेमिंग की बात करें तो जिस तरह का GPU इसके अंदर डाल रखा है, डेडिकेटेड गेमिंग के लिए ही बनाया गया लैपटॉप है, तो गेमिंग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपको। बट जब आप गेमिंग कर रहे होंगे तो उस समय CPU का टेम्परेचर 96-95 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि थोड़ा सा हाई है, और CPU लो पावर होने के कारण ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि सारा प्रेशर जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि सारा प्रेशर GPU प्लस CPU दोनों का कॉम्बो जो होता है प्रेशर झेलता है, तो उसमें CPU थोड़ा सा जो है हमारा उतना पावरफुल नहीं होने के कारण हीटिंग ज़्यादा हो जाता है। GPU अच्छा होने के कारण FPS अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, तो गेमिंग में ओवरऑल आप ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होने के कारण गेमिंग आप इजीली कर सकते हो इसके अंदर। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड और ट्रैक पैड की। तो कीबोर्ड 15.6 इंच का लैपटॉप होने के कारण कीबोर्ड लार्ज साइज दे रखा और डेडिकेटेड नम्स पैड भी साथ में आपको देखने को मिलते हैं। सिंगल कलर बैकलेट कीबोर्ड है, मतलब एक ही रंग कलर जलेगा उसमें, और नाइट में अगर ये काम करते हो तो इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको रात में काम करने में। ट्रैक पैड जो है रेक्टेंगुलर है और वेरी स्मूथ टू यूज, तो जो डे टू डे टास्क है आप चाहो तो उसके थ्रू, उस कीबोर्ड माउस के थ्रू इजीली परफॉर्म कर सकते हो। अब हम बात करेंगे पोर्ट्स के। तो पोर्ट्स में राइट साइड में आपको वेबकैम का बटन मिलेगा, वेबकैम को आप यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हो इजीली। दूसरा जो है USB 3.2 Gen 1 टाइप ए आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा। लेफ्ट में USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट इसके अंदर है, जो कि डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है और डेटा ट्रांसफर के लिए काफी फास्ट
काफ़ी इजीली आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो अपने सिस्टम से फोन में, फोन से सिस्टम में या कहीं भी ट्रांसफर करना चाहो तो। और माइक और ऑडियो का कॉम्बो जैक आपको देखने को मिलते हैं। बैक साइड में पावर इनपुट RJ45 और दो USB Gen 2 टाइप ए देखने को मिलता है, और साथ में HDMI 2.1 जिसके थ्रू आप डिस्प्ले का आउटपुट ले सकते हो। तो बेसिकली पोर्ट्स के मैटर में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा कमी ये है कि थंडरबोल्ट वाला जो पोर्ट है इसके अंदर होना चाहिए था, बाकी और पोर्ट्स बहुत सारे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है पोर्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की। डिस्प्ले की 15.6 का डिस्प्ले है, 920x1080p का फुल HD डिस्प्ले है, और कंटेंट जब आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि जब आप कोई कलर ग्रेडिंग टास्क कर रहे हो, जैसे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे कोई कलर ग्रेडिंग टास्क कर रहे हो ना, तो उस केस में कलर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अगर कुछ रहता है, आप कुछ भेज रहे हो, तो ये चीज़ होगा कि अगर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आप यूज़ करते हो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा कलर ग्रेडिंग टास्क करने में। अब हम बात करेंगे वेबकैम की। वेबकैम जो है 1080p का है, तो कोई फ्लिकरिंग कोई ब्लरिंग नहीं है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा खासा 1080p का वेबकैम दे रखा है जिसके थ्रू आप मीटिंग या क्लासेस इजीली अटेंड कर सकते हो। माइक भी सेम है, माइक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट ईयरफोन या हेडफोन के आप इजीली माइक भी डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हो मीटिंग वीटिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्पीकर की बात करें तो 2 वाट का 2 स्पीकर दोनों साइड दे रखा है, जिसका कि वॉल्यूम ज़्यादा लाउड नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, तो मीडियम में सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप का मेन होता है बैटरी। बैटरी की बात करें तो 60 वाट आवर का बैटरी है, क्योंकि 1.5 घंटे का बैकअप आपको दे देगा। अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छे ज़्यादा बैकअप निकालना चाहते हो तो उसके आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड है। इसका ब्राइटनेस कम कर दो, कीबोर्ड का लाइट ऑफ कर दो, इस तरह के छोटे मोटे टास्क करके आप इसका बैकअप 3 से 4 घंटे का निकाल सकते हो। नॉर्मली अगर ये सारे फीचर के साथ आप यूज करोगे तो 2 से 3 घंटे का आपको देगा। के बजट के लैपटॉप में जब हम कंपेयर करेंगे तो एसर का नेट्रो 5 जो कि RTX 4050 के साथ आता है, इसके अंदर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि i5 और 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ RTX 4050 दे रखा है 70-75 के बजट में, तो इसको इसके लिए भी आप देख सकते हो, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो जिस लैपटॉप के बारे में हमने बात किया Lenovo Lock, इसमें क्या है कि प्रोसेसर जो भी है बट आपको गेमिंग के पर्पज़ से अगर आप ले रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसी को लो, क्योंकि इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड है वो काफ़ी पावरफुल है, 4060 ऑब्वियसली 4050 से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली अगर आप इस लैपटॉप को खरीदने जा रहे हो तो ध्यान रहे कि अगर आपका पर्पज़ गेमिंग है तो इजीली आप खरीद लो। डे टू डे टास्क करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे टू डे टास्क में फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का काम कुछ करते हो, कलर ग्रेडिंग टास्क जो होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को आएगा डिस्प्ले के कारण, बाकी और कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अगर आपके रिक्वायरमेंट में बैठता है तो आप इसको इजीली परचेस कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि इस लैपटॉप के अंदर क्या स्पेक्स है या जो भी चीज़ें, कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल है तो डेफिनेटली चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।